रीट लेवल टू शिफ्ट सेकंड के इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट का। इसमें दो सेक्शन होता है आपको पता ही होगा जो पेपर दे रहे हैं। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट का है सॉल्यूशन। क्वेश्चन 31 देखते हैं। वर्ड्स डेट आर अंडरस्टूड एंड कॉन्स्टेंटली यूज फॉर्म, इसका आंसर है बी एक्टिव वोकेबलरी। क्या आंसर है? बी एक्टिव वोकेबलरी। क्वेश्चन 32 डॉक्टर वेस्ट कॉम्प्रेशन टेस्ट वॉस, इसका आंसर है ए नॉन लिंग्विस्टिक। डॉक्टर वेस्ट वैसे बंगाल के थे, मतलब जो बंगाल कंट्री है उसके थे, टक्का के रहने वाले थे। वेरिएबल्स कैन बी इंटरचेंज इन। क्वेश्चन 33 आंसर सिंपल सब्सटीट्यूशन। न्यू वर्ड्स एट अर्ली स्टेज शुड रेफर टू ऑब्जेक्ट्स इन एक्शन विच कैन बी शोन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम इज ए प्रिकॉशन ऑफ। 34 का आंसर है ए स्ट्रक्चरल अप्रोच। द एक्सरसाइज ऑफ लिसनिंग स्किल इज आंसर 35 का ए स्पोर्ट्स कमेंट्री ऑन ए रेडियो। बाकी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पोस्टर पैम्फलेट सब राइटिंग स्किल के सॉल्यूशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू इम्प्रूव बैड हैंड राइटिंग, इसका सही आंसर है सी प्रॉपर पोस्चर। बॉल पेन यूज करने से कुछ नहीं होता, कोई सा भी कर लीजिए। इंक पेन यूज करने से कुछ नहीं होता, कोई सा भी कर लीजिए। 37 इज नॉट अ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेक्स्ट बुक। गुड आंसर है 37 का बी गुड क्वालिटी वाइट पेपर। ब्लैक बोर्ड इज द डैश एड्स फॉर टीचिंग। 38 का आंसर ए टेक्निकल। 39 ऑडियो विजुअल एड्स हैव सेव सी एफर्ट, स्टूडेंट्स इंप्रूव द क्रिटिकल थिंकिंग इन। 40 का आंसर ए पीयर असेसमेंट। सी सी कॉम्प्रेंसिव एंड कंटिन्यूस एवोल्यूशन इज कैरिड आउट इन क्लासरूम। इन सी 41 का सी इनफॉर्मली, असल में इसका जो पर्पज़ था वो यही कि इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाए, कोई बहुत एलाबोरेट टेस्टिंग वेस्टिंग वगैरह इसमें ना दी जाए। सी सी इज नॉट सक्सेसफुल इन 42 का बी, जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है क्राउडेड क्लासरूम्स। बाकी गवर्नमेंट स्कूल स्मॉल क्लासरूम्स और प्राइवेट स्कूल से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। टीचर का है वैसे तो ज़्यादातर रोल, टीचर और स्कूल मैनेजमेंट किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर ए गुड टेस्ट इन इंग्लिश ए लैंग्वेज मस्ट बी ल्यूसिड एंड क्लियर। 43 का आंसर है ए। मैचिंग टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, डी आंसर इसका ऑप्शन 44 का आंसर है डी ऑब्जेक्टिव टाइप। असल में क्या है, मैचिंग आपने देखा ही होगा ना, मैच करो जैसे सिटीज़ के नाम दे देते हैं और फिर उधर कुछ मॉन्यूमेंट्स के नाम दे देंगे, जैसे आगरा में ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, इस तरीके से। रेड द पैसेज एंड रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो इसको आप पढ़ लीजिए। द सिनोनिम ऑफ रिफ्यूज्ड इज, इसका इस पैसेज से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप सिनोनिम देखेंगे तो इसका आंसर है बी डिनाइड। इससे भी क्या सकता है, पैसेज पढ़ने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। द एंटोनिम ऑफ पोलाइटली इज, इसका आंसर है सी रैश रैशली। द करेक्ट स्पेलिंग इज 47 का बी एकेडमिशियन। अ वर्क फॉर्म ऑफ एनरोल्ड इज 48 का बी एनरोल। पार्ट टाइम स्टैंड फॉर वर्किंग ए, मतलब 49 का ए वर्किंग लेस देन स्टैंडर्ड्स। अगर मैं आपको बताऊँ इस पैसेज को पढ़ने से और कुछ नहीं था, बस आपके 2 मिनट और जाते हैं, बाकी इनमें से एक भी क्वेश्चन इस पैसेज से डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 50-54। ही हावल्ड विद हैप्पीनेस, यह 50 का आंसर है सी पास सिंपल। शी रेन अप टू हिम एंड पैटेड हिम थ्रू बार्स, द अंडरलाइन वर्ड इज 51 का आंसर है एडवर्ब। क्या है ये एडवर्ब है। 52 चूज द कंजक्शन, इसका आंसर है सी दी, सॉरी इसका आंसर है कंजक्शन है ये डिटरमाइन है, नहीं मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये चूज द कंजक्शन। 52 का आंसर है बट, द डिटरमाइनर इज दी। 53 का आंसर है सी दी। चूज द राइट क्वेश्चन फॉर शी सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स फॉर नो प्रॉफिट, तो इसका सही आंसर है ए डिड शी सेल ऑल द आर्टिकल्स फॉर नो प्रॉफिट। क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डिड इस्तेमाल करेंगे, वैसे आपको पता ही होगा लेकिन आंसर बता रहे हैं तो आप देख लीजिए। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ साइना हैड बिन सपोर्टेड बाय हर मैटरनल आंट, चूंकि इसमें हैड बिन आ गया तो इसलिए हम ये सिंपल यूज़ नहीं करेंगे, 56 का सी यूज़ करेंगे। साइनाज मैटरनल आंट हैड सपोर्टेड साइना, तो ये
इसका जो ये एक्टिव वॉइस है और इसका ये पैसिव वॉइस है. आप पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट होता है जनरली बाय यूज़ होता है. द सेंट चैंटेड गॉड इज ग्रेट द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस इज. असल में गॉड इज़ ग्रेट हमेशा सही है चाहे पास्ट में प्रेजेंट में, इसलिए इसमें इसकी वर्ब इज़ चेंज नहीं होगी. जनरली इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज होती है, वॉज में आ जाती है, नेगेटिव पास्ट में चली जाती है, बट इसमें नहीं चेंज होगी क्योंकि गॉड इज़ ग्रेट ऑलवेज. तो इसका आंसर है द सेंट सेड दैट गॉड इज ग्रेट. वैसे तो ज़्यादा सही ये होता है द सेंट टोल्ड डैट, लेकिन सेड सेड भी चल जाता है, और लेकिन यहाँ पर वाज आ गया बी में, इसलिए जो है अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है. आंसर 57 का ए द सेंट सेड दैट गॉड इज ग्रेट है. द वर्ड फॉर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इमिडिएटली, ये बेसिकली मैच कर रहा है इमिडिएटली से. द नंबर ऑफ वोवल साउंड्स इज 20. सी का आंसर 20. ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंग्लिश में 20 वोवल साउंड्स हैं. द नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन माइंड परमानेंटली, दिस प्रिंसिपल इज टर्म्ड एज़ कंक्रीटनेस. 60 का आंसर है सी कंक्रीटनेस. एप्टीट्यूड ग्रेडेशन सिलेक्शन से मैच नहीं करते. तो ये लैंग्वेज फर्स्ट का शिफ्ट सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट का आंसर है. आप इसको देख लीजिएगा और आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.